गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज आवर थर्ड सेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। इन द वेरी फर्स्ट सेशन आई हैड टोल्ड यू कि कंपनीज एक्ट में ये लिखा है कि अगर किसी भी कंपनी में हमारा 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, या अगर हम उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का मेजॉरिटी पावर होल्ड करते हैं, देन इन दैट केस आई एम सेड टू बी द पेरेंट कंपनी, राइट? एंड द फॉर्मर कंपनी इज नोन एज द सब्सिडरी कंपनी। तो पेरेंट कंपनी को अपना पीएल बैलेंस शीट तो बनाना ही है, साथ में कंसोलिडेटेड पीएल बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि कंसोलिडेशन करना कैसे है, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में, तो वही हम लोग डील कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कंसोलिडेशन का पूरा प्रोसेस देखा है। पेरेंट कंपनी के बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगा, राइट? एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई शेयर होल्डर फंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। हमारे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्डर फंड होता है। तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस क्या है? सारा एसेट लाइबिलिटी को लाइन बाय लाइन ऐड करना है। कंसोलिडेटेड में खाली मेरा वाला शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आएगा होल्डिंग का। सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ हो जाएगा। बाकी का माइनॉरिटी बोल के आएगा, राइट? फर्दर वी हैव लर्न दैट कि हम लोग जो भी कंसोलिडेशन करते वक्त जो भी गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। पोस्ट दैट सब्सिडरी ने कुछ भी कमाया तो वो हमारी इनकम मानी जाती है, उसको हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हैं। फर्दर हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम ऐसा भी देखा था जहां पर शेयर अक्वायर किया गया है जुलाई में, यू कैन सी दैट, और हमारे को पीएल बैलेंस अप्रैल का दिया हुआ है। तो ये तो पूरा का पूरा प्री है ही, दिस इज प्री एक्विजिशन। इसके बाद जो भी है वो पोस्ट एक्विजिशन में आएगा टिल बैलेंस शीट डेट, लेकिन अप्रैल मई जून प्री में फॉल करता है। अप्रैल मई जून किस में फॉल करता है? प्री में फॉल करता है। तो इसमें से हम लोग निकालकर प्री में ऐड करेंगे, राइट? जो भी यहां पे आएगा डिफरेंस, जैसे 20 और 50, इन दोनों का डिफरेंस था हमारा 30,000 का, 3 महीना इधर आ गया। अल्टीमेटली वी विल गेट द एक्चुअल पोस्ट एक्विजिशन, राइट? तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। नंबर 5, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2000 को, सो दिस इज द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। शेयर एक्वायर किया गया है 1 अगस्त को, सो टिल 1 अगस्त इट इज प्री एक्विजिशन। फ्रॉम 1 अगस्त इट इज पोस्ट एक्विजिशन, राइट? कंसोलिडेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लाइन बाय लाइन एडिशन होता है, राइट? लाइन बाय लाइन ऐड हो जाएगा। ये क्रेडिटर है, होल्डिंग का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा कंसोलिडेशन में। सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है टू द एक्सटेंट ऑफ 75, इसमें भी अपन प्री पोस्ट करेंगे,
टू द एक्सटेंट ऑफ 75 इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, राइट? पोस्ट में 75% मेरा पीएल में ऐड हो जाएगा और बाकी 25% माइनॉरिटी में चला जाएगा। राइट? तो ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास सीख चुका है। चलिए आइए, तो सबसे पहले होल्डिंग ने शेयर अक्वायर किया है, सो गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, इज टू बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st अगस्त, इसीलिए हमको 1st अगस्त तक का प्रॉफिट अलग से चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को अप्रैल का दिया हुआ है, तो इसके बाद जो भी है वो एक बार के लिए पोस्ट में चला जाएगा, फिर वहां से अप्रैल में जून जुलाई 4 महीना निकाल लेंगे इधर, यस और नो? अच्छा, 2 टाइप का रिजर्व है, पीएल भी है जनरल रिजर्व भी है, तो पीएल यहां पे 45 दिया हुआ है और जनरल रिजर्व 20,000 दिया हुआ है, राइट? आइए एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी बात करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम। सो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 5। सबसे पहला नोट, होल्डिंग रेशियो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया 75, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड, प्री एक्विजिशन चाहिए अपने को अप टू 1st अगस्त 99, पोस्ट में पीएल अलग करेंगे, पोस्ट में जनरल रिजर्व भी अलग करेंगे, क्योंकि होल्डिंग में दोनों अलग अलग दिया हुआ है, प्री तो प्रॉब्लम नहीं है, प्री तो इन्वेस्टमेंट से लेस होता है ना, ये दोनों चीज 1st अगस्त ऑनवर्ड्स चाहिए अपन को, ठीक है? तो
तो सबसे पहले पीएल का बात करते हैं। टोटल इज 1 लाख, जनरल रिजर्व टोटल इज 50, सब्सिडियरी का ही बात हो रहा है। अभी हमारे पास जो भी है वो अप्रैल तक का है, तो अप्रैल तक का प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा? प्री में जाएगा, अपने को चाहिए टिल फर्स्ट अगस्त, और अभी अपने को फर्स्ट अप्रैल तक का दिया हुआ है। ये 45 दिया हुआ है तो पोस्ट 55 आएगा, ये 20 दिया हुआ है पोस्ट 30 आएगा, एक बार इसका सब टोटल कर लो, 65, 55, 30। नाउ दिस इज अप टू फर्स्ट अप्रैल, तो डोंट यू थिंक इसमें से 4 महीना इधर आएगा? अपने को चाहिए अप टू फर्स्ट अप्रैल, सॉरी अपने को चाहिए अप टू फर्स्ट अगस्त, और अभी अपने को अप टू फर्स्ट अप्रैल दिया हुआ है, तो ये जो 55 एंड 30 है दिस इज अप्रैल ऑनवर्ड्स। नाउ इसमें से अपन 4 महीना क्यों ले रहे हैं, चीज को समझो। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे होते तो हर महीना मेरा सैलरी सेम होगा, प्रोवाइडेड मेरा ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बिजनेसमैन का हर महीने का प्रॉफिट तो अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है हर महीना सेल सेम हो। ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना कि हर महीने का सेल सेम होगा। हर महीना सेल कैन बी डिफरेंट। तो आपने क्या अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, हर महीने का प्रॉफिट बराबर है, इसलिए अपन 4 महीना यहां ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है अक्टूबर में एंड जुलाई में लॉस हुआ है, ये लॉस नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस तो कोई एक पर्टिकुलर दिन होगा, एबनॉर्मल लॉस तो कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है ना, कि थ्रू आउट द ईयर आज भी तुम्हारे यहां डेली लगेगा क्या? तो कहने का मतलब है ये ऑफ बीट आइटम है, क्या है ये? अच्छा, प्रॉफिट निकालते वक्त क्या इसको लेस किया हुआ है? एबनॉर्मल लॉस पीएल में तो आता ही है, लेकिन दिस इज नॉट इवनली स्प्रेड, दिस इज नॉट इवनली स्प्रेड, ये इवनली स्प्रेड नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार प्रॉफिट में ये 5000 लॉस ऐड कर देंगे, ये 2000 लॉस को ऐड कर देंगे, उसके बाद 4 महीना निकालेंगे। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि ये इवेनली स्प्रेड नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, इसमें अपन एक बार एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे 7000, जितना बार भी एडजस्टमेंट करेंगे ना हर बार सब टोटल ले लेंगे,
Now this is evenly spread. Plus minus time adjustment minus 62,000 into 4 by 12 minus 30,000 into 4 by 12. तो यहां पे दो बार प्लस होगा. ये दोनों ही तो अप्रैल ऑनवर्ड्स है ना. कितना आ रहा है 667 एंड 10,000. वापस से सब टोटल ले लो. नाइन्टी फाइव सिक्स सिक्स सेवन फोर वन थ्री 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 20,000. तो अब ये प्रॉफिट हमारा फर्स्ट अगस्त तक आ गया ना. और ये अगस्त ऑनवर्ड्स तो सर पहले जो प्रॉफिट था ना ये हमारा इवनली स्प्रेड नहीं है. तो अक्टूबर में जो लॉस हुआ जुलाई में जो लॉस हुआ ये इस 55,000 से एडजस्टेड है. पहले उसको एड बैक करेंगे लॉसेस को नलीफाई करेंगे. अब ये इवनली स्प्रेड हो गया. चार महीना निकाल लो चार महीना निकाल लो. सो नाउ दिस इज स्टिल फर्स्ट ऑगस्ट एंड दिस इज ऑगस्ट ऑनवर्ड्स. अब एक्चुअल में एबनॉर्मल लॉस कब कब हुआ है अकॉर्डिंगली लेस कर दो. जुलाई वाला यहां से लेस होगा क्योंकि दिस इज स्टिल फर्स्ट ऑगस्ट. जब नलीफाई हुआ दिस वॉज अप्रैल ऑनवर्ड ध्यान देना. तो दोनों यहीं से प्लस हुआ. अक्टूबर जुलाई बोथ आर फॉलिंग इन दिस पीरियड. इवनली स्प्रेड हो गया. टाइम एडजस्टमेंट करेंगे. दिस इज स्टिल फर्स्ट ऑगस्ट दिस इज ऑगस्ट ऑनवर्ड्स. अब डेट देखो जुलाई यहां से अक्टूबर यहां से नाइन्टी थ्री सिक्स सिक्स सेवन का 75% करो. कितना 250 ले लो. बाकी इसका कितना आ रहा है 7,000. ठीक है ध्यान से ये तीनों कहां चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में. 70,250 कहां जाएगा प्री वाला है ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होल्डिंग का शेयर. इसका तो मैंने पैसा दिया है ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा.
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोस्ट का होल्डिंग का शेयर, ये मेरे लिए भी इनकम है, प्लस होल्डिंग पीएल, पोस्ट का होल्डिंग का शेयर, होल्डिंग का जर्नलिज्म में प्लस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन मैंने उसका पैसा भरा है, हमारे को टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, उसके भी पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ठीक है अप्रैल तक का प्रॉफिट तो प्रीमियम आएगा ही, पोस्ट से चार महीना इधर निकाल के लेना है, लेकिन निकाल के लेते वक्त खाली ये देखना है कि प्रॉफिट इवेनली स्प्रेड है कि नहीं, तो पहले उसको इवेनली स्प्रेड बनाएंगे फिर एक्चुअली लेस कर देंगे, तो बात तो बराबर हो गया ना, प्लस माइनस कर दिया, लेकिन नहीं तो वो इवेनली स्प्रेड नहीं होता, उसको इवेनली स्प्रेड पहले बनाएंगे। प्री होल्डिंग शेयर मैंने इसका पैसा भरा है, पोस्ट होल्डिंग शेयर कितना भी टाइप का रिजर्व हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट होल्डिंग शेयर मेरा कमाई है, माइनॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता प्री पोस्ट से, तुम देखोगा इन तीनों को ऐड करो 37,500 आएगा, जस्ट ऐड दीज थ्री, थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना, देखो डॉलर है इसका 25% माइनॉरिटी को जाएगा 37,500, तो ये जो भी एनालिसिस हो रहा है ये होल्डिंग का प्री पोस्ट का ट्रीटमेंट अलग है, माइनॉरिटी का तो टोटल क्लेम निकाल रहे हैं अपन, जिस दिन तक का, जिस दिन हमने शेयर खरीदा वहां तक का प्रॉफिट मेरा कमाई नहीं है, उसका हमने पैसा भरा है, हमारे इन्वेस्टमेंट से लेस होगा वो, शेयर कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से लेस होगा टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद हमने पैसा भरा है उस चीज का, राइट उसके बाद जो भी आएगा वो हमारे लिए कमाई है, टिल द डेट का हमने पैसा भरा है उसके बाद हमारे लिए कमाई है, राइट तो ये वर्किंग नोट एग्जाम में बनाकर आना है। बुक में बहुत अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, राइट व्हेन यू रेफर बुक दे हैव गिवन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट आई हैव द हैबिट ऑफ डूइंग इन अ डिफरेंट वे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, when we practice 10 12 problems you will come to know automatically, now tell me consolidation mein kya kya aayega, sara asset liability line by line add, share capital or reserve and surplus kiska aayega, khali holding ka aayega, subsidiary ka share capital or reserve to the extent of 75% investment se set off ho jayega, baki minority mein aayega, aur post mere liye kamai hai, और पोस्ट का माइनॉरिटी भी माइनॉरिटी में आ जाए, क्लियर। सो नाउ वी विल डू कंसोलिडेशन,
शेयर कैपिटल किसका आएगा, खाली होल्डिंग का आएगा, कितना है 2 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरा पीएल कितना है, 2 लाख, इस पे मेरा कमाई ऐड हो जाएगा, है ना। क्लियर, जनरल रिजर्व 1 लाख, इस पे मेरा कमाई ऐड हो जाएगा, ये सब वो प्रॉफिट्स है जो सब्सिडियरी ने कमाया है पोस्ट माय एक्विजिशन। कैपिटल रिजर्व भी आया होगा, उसको देख लेंगे अभी हम लोग, थोड़ा नोट बना के। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो मेरा बैलेंस शीट से मिल जाएगा हमको, है ना, 1,50,000। लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी का 75%, कितना आ रहा है, सेवेंटी फाइव थाउजेंड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 75% ऑलरेडी कर चुका है हम लोग वर्किंग नोट में, कितना 70,250, डन। तो यहां गुडविल आ रहा है, इस बार कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये जो भी निकलता है ये एज ऑन, इसलिए तो इतना झमेला है। अगर बैलेंस शीट डेट में दिखा रहे हैं, बट निकल कौन से तारीख को रहा है, 1 अगस्त, राइट, कितना आ रहा है ये, माइनॉरिटी का टोटल क्लेम दिखाएंगे, सॉरी ये नोट 3 है ना, एक सेकेंड,
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 25% कितना था? 23417। पोस्ट पीएल, पोस्ट जीआर, कितना? करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लाइन बाय लाइन ऐड, मेरा कितना है? मेरा 2.5 लाख, तुम्हारा 1.5 लाख। पीपीई फिक्स्ड एसेट मतलब पीपीई होता है। पांच लाख, इसका भी 5 लाख। यहाँ पे इंटेंजिबल में गुडविल आएगा 4750। कितना? 10,04750, 10,04750। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले अपने को सब्सिडरी का प्रॉफिट को ब्रेकअप करना है। एक एडिशनल स्टेप आ गया, टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन होल्डिंग शेयर, हमने पैसा भरा है। पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग शेयर हमारा कमाई है, माइनॉरिटी का फर्क नहीं पड़ता, टोटल माइनॉरिटी क्लेम में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो पैसा भरा है तो इन्वेस्टमेंट से लेस हो रहा है और ये हमारा कमाई है। बाकी ये तीनों माइनॉरिटी में आ गए। नेक्स्ट नंबर 6।
पीडीएफ ले आओ एक बार। सोविदा को बोलो दे देंगे। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है नंबर सिक्स वाला, एकदम इजी है। बैलेंस शीट डेट क्या है? सो दिस इज डेट ऑफ कंसोलिडेशन। लेकिन हमने शेयर अक्वायर किया है जनवरी में और उसी दिन का रिजर्व एंड पीएल दे दिया, इसका मतलब यहां पे टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर आपको जिस दिन शेयर एक्वायर किया उसी दिन का पीएल दे दे, खाली प्री पोस्ट करना है, सिंपल कैलकुलेशन, राइट? हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग के बुक्स में सब्सिडरी का टोटल शेयर होगा 10,000। 10 रुपीज वाला बोला है ना शेयर, इलस्ट्रेशन सिक्स। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, छह हजार शेयर मेरे पास में, टोटल तुम्हारा शेयर 10,000 है, 60% हो गया। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%, अदर शेयर होल्डर्स 2022 कहां तक का चाहिए? जनवरी 22, जो चाहिए दिया हुआ क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन को चाहिए ही है। ये हम लोग को जनवरी 22 ऑनवर्ड चाहिए। रिजर्व पीएल
रिजर्व कितना दिया हुआ है टोटल? 20,000, पीएल 10,000। अच्छा, जनवरी तक का ही रिजर्व 4,000 है, तो पोस्ट रिजर्व 16। एक बार के लिए सब टोटल करो, 9,000, 5,000, 16,000। सर ये जनवरी 22 तक का ही है, अपन को माथा नहीं लगाना है। ये जो दिया है ना, ये जनवरी 22 तक का है और ये जनवरी ऑनवर्ड्स है। खेल खत्म, कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। होल्डिंग 60, माइनॉरिटी 40, 5,400, 3,600, 3,000, 2,000। ये पूरा का पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये 5,400 प्री होल्डिंग शेयर कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, वेरी गुड, क्योंकि इसका हमने पैसा भरा है। नई कंपनी में जब शेयर एक्वायर करते हैं तो खाली शेयर कैपिटल का पैसा देते हैं, पुराना कंपनी में शेयर एक्वायर करेंगे तो वो कंपनी ग्रो भी हुआ हुआ है तो शेयर कैपिटल का तो देंगे, प्लस प्रॉफिट्स का भी पैसा देते हैं। नया कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट चाहिए था तो 1,000 रुपए चाहिए था, आपके आज भी उसका वैल्यू 100 रुपए ही होगा, ज्यादा होगा ना, तो प्रॉफिट्स का भी पैसा हम भरते हैं। खरीदने के बाद पोस्ट पीएल होल्डिंग शेयर किसका? पीएल के साथ होल्डिंग, अपना पीएल के साथ इसको जोड़ेगा क्योंकि ये होल्डिंग के लिए भी कमाई है। पोस्ट रिजर्व होल्डिंग का होल्डिंग अपना जनरल रिजर्व के साथ प्लस करेगा। अच्छा, नोट 3 भी यही बना लो अभी हाथों हाथ। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 60% का इन्वेस्टमेंट का 60% मत कर देना क्योंकि इन्वेस्टमेंट 60% ही है। ये जो है ये 60% का ही कॉस्ट है। 80,000, 60% शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी का, 60% कितना है? अगेन गुडविल आ रहा है,
ठीक है। कितना आ रहा है? इसका हमने पैसा भरा है, पैसा भरा है, ये पूरा माइनॉरिटी चला गया। अच्छा, ये वाला चीज जो हम लोग यहां करते हैं, ये होल्डिंग का पीएल के साथ होल्डिंग का इनकम ऐड होता है ना, तो इसका हम लोग अलग से नोट बना के भी कर सकते हैं, यहां पे फिर खिचड़ी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वी कैन डू बाय प्रिपेयरिंग नोट। होल्डिंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका अपना रिजर्व कितना है? 50 पीएल 20 30। तो ये वो जो चीज अपने कॉन्सोल, देखो होल्डिंग का पीएल ही आ रहा है, लेकिन उसके बाद होल्डिंग का कमाई ऐड हो जा रहा है इसमें। नाउ कंसोलिडेटेड में क्या क्या आएगा ध्यान देना, ये आ रहा है लाइन बाय लाइन ऐड, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब हुआ क्या,
इसका 60% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस, ये रहा। इसका प्री पोस्ट, प्री वाला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस, पोस्ट वाला इधर ऐड हो जा रहा है, वही तो वर्किंग नोट में हो रहा है ना। इसका भी वही, दोनों प्री हम एक साथ ले ले रहे हैं, रिजर्व का प्री और पीएल का प्री, और इसका पोस्ट यहां पीएल में ऐड हो जा रहा है। अब माइनॉरिटी का टोटल क्लेम अलग से, लाइबिलिटी में माइनॉरिटी आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सारा एसेट लाइन बाय लाइन ऐड होगा, हाँ सारा एसेट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड होगा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस खाली होल्डिंग का आएगा प्लस होल्डिंग का जो कमाई है। इसमें होल्डिंग का जो अर्निंग्स है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, ध्यान से देना, ये जो टोटल है इसका सीधा 40% माइनॉरिटी, अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं, बाकी जो 60% है उसका प्रीपोस्ट कर लेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी को तो प्रीपोस्ट से फर्क नहीं पड़ता। इसका जो प्री है यहां से लेस हो जाएगा, जैसे शेयर कैपिटल का जो 60% वो पूरा प्री, रिजर्व और पीएल का 60% उसमें प्री पोस्ट करेंगे, तुम सबका पहले प्री पोस्ट करो फिर उसमें तुमको माइनॉरिटी होल्डिंग करना पड़ेगा, फायदा क्या है? माइनॉरिटी का तो प्री पोस्ट अपन को चाहिए नहीं ना, तो पहले टोटल का माइनॉरिटी निकाल लो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाओ, टोटल का माइनॉरिटी चला गया बचा 60%, उसका प्री पोस्ट कर लेंगे, प्री यहां से लेस होगा पोस्ट मेरा इनकम माना जाएगा। हालांकि हम लोग जो वर्किंग नोट बना रहे हैं उसमें माइनॉरिटी का भी प्रीपोस्ट आ जा रहा है, बट अपन को चाहिए नहीं। देखो माइनॉरिटी कितना आया, 52 आया ना, 1,30,000 का 40% करो 52 आएगा। वन थर्टी का 40% 52,000 आएगा, अपना वर्किंग नोट में भी वही आया। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपना माइंड डेवलप करना है, मैं तो समझा ही रहा हूं,
लेकिन अपने साथ साथ अपना माइंड को भी डेवलप करना, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। क्विकली इसका कंसोलिडेटेड बना लो, सारा काम अपना हो ही गया है। रीजन से प्लस का ऑलरेडी वर्किंग नोट बन चुका है 5। कितना? कितना? 30। P84 600, राइट? PPE कितना है? कितना कितना टोटल अलग अलग बताओ। 220, 150। तो यहां क्या गंदगी नहीं होगा?
नंबर सेवन, थर्टी फर्स्ट मार्च है, ट्वेंटी नौ शेयर खरीदा है, अप्रैल 22 को, और उसी दिन का पीएल दे दिया, टाइम एडजस्टमेंट है कि नहीं है? नहीं है। राइट, क्यू का टोटल शेयर है 4,000, 4 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 90% इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, तो माइनॉरिटी कितना? 10%। जब भी पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, पुराना पार्टनर लोग क्या करता है? जब भी पार्टनरशिप में एडमिशन होता है तो पुराना पार्टनर लोग, हमको जहां तक मालूम है, एसेट एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करता है। रिवैल्यूएशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो लोग अपने आप में बांट लेता है, जिससे कि जब भी नया पार्टनर आए तो वो उसका भी पैसा, मतलब उसके हिसाब से वो पैसा कंट्रीब्यूट करे। यस और नो? आज मान लो पार्टनरशिप में कैपिटल है 2 लाख रुपया, नया पार्टनर 20% शेयर के लिए आ रहा है, तो वो 40,000 रुपये लेके आएगा। लेकिन मान लो अगर मैंने एसेट को रिवैल्यू कर दिया 1 लाख रुपए से, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कैपिटल में जाके बढ़ेगा, तो जो कैपिटल 2 लाख का था वो कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो 3 लाख का 20% 60,000 होता है। तो कहने का मतलब है, जब भी मेजर शेयर, एक दो शेयर अगर कोई इन्वेस्टर, देखो आज स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे हजारों आदमी शेयर खरीदते हैं, हजारों आदमी शेयर बेचता है, तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं जितना बार भी शेयर खरीदा जाएगा उतनी बार अपना एसेट को रिवैल्यू करें। हालांकि रिवैल्यूएशन सब्सिडरी नहीं कर रहा, कंसोलिडेशन में होल्डिंग को करना जरूरी है, क्योंकि उसने उसका भी पैसा भरा है। चीज को समझो, यहां बोल रहा है क्यू लिमिटेड का एसेट को रिवैल्यू करो 20% अबव बुक वैल्यू। देखो क्या लिखा क्या लैंग्वेज में, रिवैल्यूएशन कौन कर रहा है? पी कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है रिवैल्यूएशन पी कर रहा, मैं नहीं कर रहा, सब्सिडरी नहीं कर रहा रिवैल्यूएशन। कंसोलिडेशन करते वक्त, राइट, एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन वी नीड टू रिवैल्यू एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड।
तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी पैसा भरा है, सही बात है कि नहीं? मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी पैसा भरा है, हाँ या ना? नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो कैपिटल होता है, इनफैक्ट जनरल रिजर्व, जो बचा हुआ जनरल रिजर्व होता है, वो भी ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट आता है वो भी ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। हालांकि गुडविल का हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, बट गुडविल भी अपन ओल्ड पार्टनर में बांट सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो जब भी कोई नया आदमी आता है तो वो क्या क्या चीज का पैसा भरता है? कैपिटल का पैसा भरता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पैसा भरता है, रिवैल्यूएशन का भी पैसा भरता है। वो हर चीज का पैसा लेके आता है, बिकॉज वॉट एवर इज योर टोटल क्लेम। मैं तुम्हारा में से ना शेयर खरीद रहा हूं 20%, ये तो मालूम होगा। नया वाला जब आता है तो पुराना वालों को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसका मतलब तो साफ हो गया, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट प्री एक्विजिशन में जाएगा, क्योंकि हमने इसका पैसा भरा है। क्लियर? हाँ, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या नजारा आता है। बंद मत करो, ठीक है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद अपन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसके बाद अपने एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 23, 1/4/22, बुक वैल्यू। 31 मार्च का बैलेंस तो बैलेंस शीट से मिल जाएगा, हाँ, ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड, ठीक है ना? मतलब क्यू लिमिटेड का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल रहे हैं। सपोज करो क्वेश्चन में बोल दिया होल्डिंग का एसेट को भी रिवैल्यू करो, नहीं करेंगे कंसोलिडेशन में।
अगर होल्डिंग का इंडिविजुअल में किया हुआ है तो कंसोलिडेशन में भी ले लेंगे, समझा? होल्डिंग सब्सिडियरी रिवैल्यूएशन स्टैंड अलोन में किया हुआ है तो कंसोलिडेशन में भी आएगा, स्टैंड अलोन में किया हुआ है कंसोलिडेशन में आएगा। स्टैंड अलोन में नहीं है कंसोलिडेशन में भी नहीं आएगा, स्टैंड अलोन में नहीं है लेकिन कंसोलिडेशन में आएगा। स्टैंड अलोन में है कंसोलिडेशन में भी आएगा। स्टैंड अलोन में नहीं है कंसोलिडेशन में नहीं आएगा, स्टैंड अलोन में नहीं है कंसोलिडेशन में आएगा। अगर इंडिविजुअल बैलेंस शीट में किया हुआ है तो कंसोलिडेशन में रिवैल्यूएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल में नहीं किया हुआ तो कंसोलिडेशन में नहीं आएगा लेकिन सब्सिडरी का आएगा। तो सब्सिडरी का इंडिविजुअल में नहीं किया हुआ है लेकिन कंसोलिडेशन में रिवैल्यूएशन इफेक्ट दिखाएंगे। एनीवे क्वेश्चन में बोला है मार्च 23 380 एक तारीख को शेयर खरीदा तो रिवैल्यूएशन भी उसी दिन होगा, जिस दिन का पीएल दिया उस दिन नहीं, जिस दिन शेयर खरीदा। राइट, तो जिस दिन शेयर खरीदा वो एक तारीख है और उसी दिन रिवैल्यूएशन हो रहा है। 20% अबव इट्स बुक वैल्यू 4 लाख, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि एक तारीख को बुक वैल्यू 4 लाख था? तो नाउ टेल मी डेप्रिसिएशन रेट कितना था, 20,000 बाय 4 लाख इंटू 100 5%। कैन यू सी हियर, देख सकते हैं आप लोग यहां पे? क्योंकि दोनों में गैप कितना है, 20,000 का। तो ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर मार्च वाला बैलेंस शीट से मिलेगा फिगर और 1 अप्रैल का बैलेंस दे दिया 4 लाख, तो साफ समझ में आ रहा है 20,000 क्या है, डेप्रिसिएशन।
दिख रहा है। अब यहां पे बोल रहा है रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन कौन सा दिन करेंगे? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, याद रखना। इसका 20% बोला है ना, कितना आ रहा है? 80,000। हाँ, तो अगर आप एक साल पहले जाके अप्रैल में एक्विजिशन हो, उसी दिन रिवैल्यूएशन निकलेगा। जिस दिन शेयर अक्वायर किया उस दिन रिवैल्यूएशन निकलेगा। तो जिस दिन हमने शेयर अक्वायर किया उस दिन डेट क्या था? 1 अप्रैल। ₹80,000 बुक्स में प्रॉफिट आया, 80,000 प्रॉफिट आया ना। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आपको मालूम है, प्री एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका पैसा हमने भरा है, इसका भी पैसा भरा है, इसका नहीं, इसका भी। शेयर कैपिटल का पैसा हम भरते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम पैसा भरते हैं, इसका भी पैसा हमने भरा है। लेकिन अगर आप एसेट का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन तो अभी 4 लाख पे दिया हुआ है, तो डोंट यू थिंक कि इस 80,000 पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए? और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से समय का होगा? अप्रैल से लेके मार्च तक का। और ये जाएगा पोस्ट एक्विजिशन में, क्योंकि अप्रैल से मार्च का है। रिवैल्यूएशन होगा जिस दिन हमने शेयर खरीदा, वो प्री में जाएगा। पहले हमको बताओ ये जो भी प्रॉफिट आ रहा है किसका एसेट पे आ रहा है? सब्सिडरी का। तो इसे होल्डिंग का पीएल इफेक्ट करेगा कि सब्सिडरी का प्रॉफिट इफेक्ट करेगा? मेरा एसेट तो मेरा मेरा प्रॉफिट इफेक्ट करेगा ना, उसका फिर मैं प्री पोस्ट करूंगा। पहले ये बताओ कि ये किसका प्रॉफिट इफेक्ट करेगा? सब्सिडरी जो कमाता है वो होल्डिंग का पीएल में सीधा नहीं आता, सब्सिडरी का जो भी कमाई है वो पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा, उसका प्री पोस्ट किया जाएगा। प्री का हमने पैसा भरा है तो वो इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, पोस्ट हमारे लिए कमाई है तो हमारा पीएल में ऐड होगा। डायरेक्टली थोड़ी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को होल्डिंग में प्लस करना, नहीं ऐसे नहीं होगा। एसेट किसका? ये क्यू का, सब्सिडरी का। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसका हो रहा है? क्यू का एसेट का। तो प्रॉफिट भी पहले क्यू में ऐड होगा, उसके बाद प्री पोस्ट करेंगे। तो प्री मतलब हमने पैसा भरा है, पोस्ट मतलब हमारी कमाई है। आज अगर अपन रिवैल्यूएशन यहां कर रहे होते मार्च 23 को, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होता? प्री में जाता कि पोस्ट में जाता? सब्सिडरी का पोस्ट में जाता ना। शेयर हमने यहां खरीदा है और रिवैल्यूएशन मार्च 23 को हो रहा है, शेयर खरीदने के बाद रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना आप। नहीं, रिवैल्यूएशन हमेशा बच्चा लोग क्या करके आएगा, इसका 20% बढ़ा देगा एसेट का वैल्यू।
गलत हो जाएगा। इसका 20% रिवैल्यूएशन नहीं होगा। जिस दिन हमने शेयर खरीदा उस दिन हमारा रिवैल्यूएशन हो। अब एसेट का वैल्यू को अप्रैल में बढ़ा दिया तो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से समय का है? अप्रैल से मार्च। अब बताओ ये जाएगा प्री एक्विजिशन में और ये जाएगा पोस्ट एक्विजिशन में। डेप्रिसिएशन हमेशा आने वाले समय का होता है। एसेट को ऐड किया उसके बाद ना डेप्रिसिएशन देंगे, उसके पहले डेप्रिसिएशन देंगे। तो 1 अप्रैल को बढ़ाया तो उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बुक्स में डेप्रिसिएशन 4 लाख के हिसाब से 5% दिया हुआ है, 20,000, लेकिन हमने 80,000 बढ़ा दिया। पीछे जाके बढ़ाया तो पीछे से डेप्रिसिएशन आएगा वापस एडिशनल अमाउंट पे। ठीक है, तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसका होगा, किसका एसेट का, होल्डिंग का कि सब्सिडरी का? सब्सिडरी के एसेट का, होल्डिंग के एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं होता है। होल्डिंग का तभी होगा अगर स्टैंड अलोन में किया हुआ है तो ही कंसोलिडेशन में लेना है। होल्डिंग का अगर रिवैल्यूएशन नहीं किया हुआ है तो कंसोलिडेशन में भी नहीं आएगा। सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन नहीं किया हुआ है लेकिन कंसोलिडेशन में आएगा, क्योंकि हमने इसका भी पैसा भरा है। ठीक है, तो सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन हो रहा है, सब्सिडरी के एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, हाँ या ना? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन से दिन निकालेंगे? जिस दिन हमने शेयर खरीदा है तो उस दिन की बुक वैल्यू हमको चाहिए। क्वेश्चन में दी हुई है 20% बढ़ा दिया, आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ाया पीछे जाके तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा। पहले ये सब्सिडरी में ऐड होगा, कहां ऐड होगा वो मुद्दा है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्री में, एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट में, फिर उसका अकॉर्डिंगली जैसा ट्रीटमेंट होगा होल्डिंग में वो तो अपने करते ही हैं, बाइफर्केशन हो जाएगा। डन। नोट 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड प्री एक्विजिशन अप्रैल 22 तक का चाहिए। यहां पे खाली पोस्ट पीएल है, अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स। कितना है टोटल पीएल सब्सिडरी का? सब्सिडरी का टोटल पीएल 80,000। अप्रैल तक का 32, तो अप्रैल ऑनवर्ड्स 48। यहां पे जनरल रिजर्व नहीं है, दो टाइप का रिजर्व नहीं है, एक ही टाइप का रिजर्व है। टाइम एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन का पीएल दे दिया, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मैंने बोला ना पहले सब्सिडरी में ऐड होगा, तो सब्सिडरी में कौन सा वाला के साथ ऐड होगा?
80,000 प्री वाला में ऐड होगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट से लेस हो जाएगा। दैट्स इट। होल्डिंग 90, माइनॉरिटी 10। और ये वाला पूरा माइनॉरिटी में 1,08,000 कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। और 39,600 ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट का भी हमने पैसा भरा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी पैसा भरा है। देखो दोनों प्री में आ गया तो दोनों ही तो एक साथ लेस होगा, तो हम क्या क्या चीज का पैसा भरते हैं? शेयर कैपिटल का पैसा भरते हैं, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन का पैसा भरते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी पैसा भरते हैं, क्योंकि हम जो भी कैपिटल लेके आएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कैपिटल के बेसिस पे लाएंगे। राइट तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का क्लेम किसका किस पे है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का क्लेम कैपिटल पे होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का क्लेम अभी तक का प्रॉफिट्स पे होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का क्लेम अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे भी होगा, नया का उस पे कोई हक नहीं है। क्लियर? नोट फोर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो कितना आ रहा है? 5,60,000। लेस शेयर कैपिटल ऑफ क्यू का 90%। थ्री लैख सिक्सटी और प्री एक्विजिशन का 90%। 100,800, सो गुडविल ही आएगा। हाँ प्री एक्विजिशन का 10,
कितना? पी लिमिटेड रिजर्व एंड सरप्लस, पी लिमिटेड का पीएल कितना है? 2 लाख। इसमें प्लस हो जाएगा शेयर फ्रॉम क्यू 39,600, ठीक है ना। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो माइनॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता, माइनॉरिटी में प्री आ गया, पोस्ट आ गया, रिवैल्यूएशन का भी आ गया। तो हम क्या क्या चीज का पैसा भरते हैं? हम शेयर कैपिटल का पैसा भरते हैं, प्रॉफिट्स का पैसा भरते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी पैसा भरेंगे। इसलिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को प्री में लिया गया है। तो ये आ गया और ये दोनों का ये। ठीक है, अब क्या करना है? पी लिमिटेड अलोंग विथ क्यू लिमिटेड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल किसका आएगा? खाली होल्डिंग का, पी लिमिटेड का कितना है? रिजर्व एंड सरप्लस भी खाली पी का आएगा, उसमें सब्सिडरी वाला मेरा इनकम ऐड हो जाएगा, मेरा। नोट नंबर 6, 239,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या है? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल का 10%, सब्सिडरी का टोटल प्रॉफिट का 10%, रिवैल्यूएशन का भी 10%। माइनॉरिटी में प्री पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिटर्स जोड़ो। टी लैख प्लस 19,20,000,
पीपी में ध्यान से देखना, पहले मेरा कितना है? थर्टी टू लैख फोर्टी थाउजेंड में मैं अपना 3,80,000 जोड़ूंगा, लेकिन इसको पीछे जाके मैंने रिवैल्यूएशन किया और 4,000 का डेप्रिसिएशन भी दिया। जोड़ा ना क्यू का 3,80,000, अच्छा 10,00,000 है क्या? तुमने गलत बोल दिया। अभी खाली फिक्स्ड एसेट जोड़ेंगे, करंट एसेट नीचे आएगा। टेन लैख प्लस 3,80,000, 80,000 का रिवैल्यूएशन किया माइनस 4,000, इसको भूलना नहीं है। प्रॉफिट्स तो बढ़ गया, उस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी हो गया, लेकिन अब एसेट का दो होता है, एक इफेक्ट होता है प्रॉफिट, एक होता है एसेट बढ़ना। कितना आ रहा है गुडविल? तो 99,200। थर्टी टू फोर्टी प्लस 20,20,000, 52,60, ये कितना आ रहा है? हाँ 12,00,000 कहाँ आएगा, ज्यादा आएगा 14,56,000 आएगा शायद। अरे बेटा प्लस 80 माइनस 4 है, ठीक है। तो पहले रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। ये प्रॉफिट सब्सिडरी के एसेट का है, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट में प्लस होगा। कहाँ होगा वो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। इसका हम पैसा भरते हैं तो प्री में ऐड होगा, और ये तो पोस्ट समझ में ही आ रहा है। बच्चा लोग क्या करता, किसी को नॉलेज नहीं होगा तो इसका सीधा 20% निकालता। इसका सीधा 20 कितना आता है? 76,000। देखो नेट इफेक्ट 76 का ही हुआ है। तो लोग 76 यहां प्लस कर देता, गलत हो जाता ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन पुराने शेयर होल्डर, अभी तक का रिवैल्यूएशन कर रहा हूं ना मैं, इसका हक पुराने शेयर होल्डर का है, तो नया जब आएगा तो इसका भी पैसा भरा है, वो तो प्री में जाएगा। राइट, सो रिवैल्यूएशन करके फिर एनालिसिस करेंगे। होल्डिंग का प्री का शेयर इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, होल्डिंग का पोस्ट वाला शेयर उसका कमाई है। राइट, ये इनकम है होल्डिंग के लिए, क्या है ये?
दिस इज इनकम फॉर पी लिमिटेड, इसको अपना पीएल में प्लस करेगा, माइनॉरिटी को प्रीपो से फर्क नहीं पड़ता। तो इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल प्री वाला सेट ऑफ हो गया, गुडविल आ गया और माइनॉरिटी बस खत्म, दिस इज कंसोलिडेशन। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, इसको प्रैक्टिस करिएगा और घर पे।